गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यस्टरडे वी हैड रिवाइज अवर द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ योर चैप्टर नंबर टू दैट इज डिजिटल नेटवर्क असेंशियल हमने इसमें रिवाइज किया इंटरनेट वेब ब्राउजर वेब सर्च इंजन एंड मैनी मोर क्वेश्चन टूडे इज इट्स सेकेंड पार्ट सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड वी हैव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रांसमिशन मीडिया सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया अ ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल में बी डिफाइंड एज अ मीडियम विच कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोल रहे हैं उसको हम एक मीडियम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क इट प्रोवाइड द पाथ थ्रू विच अ बिट स्ट्रीम कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर ये आपको एक पाथ प्रोवाइड करवाता है जिसमें आपकी बिट स्ट्रीम जो है एक मशीन से दूसरी मशीन में इजिली जो है वो ट्रैवल कर सकती है इट कैन बी कैटेगराइज इंटू टू कैटेगरीज आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो बेसिकली दो प्रकार का है बाउंडेड मीडिया जिसको हम गाइडेड मीडिया और वायर मीडिया भी बोल रहे हैं सेकेंड है अनबाउंडेड मीडिया जिसको हम अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया भी बोल रहे हैं ठीक है तो दिस इज़ अ डायग्राम हेयर इज योर गाइडेड मीडिया इट इज़ फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स एंड हेयर इज़ अनगाइडेड मीडिया इज इज़ ऑल्सो फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स नेक्स्ट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडिड एंड अनगाइडेड मीडिया तो द ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू मेन कैटेगरीज दैट इज गन अनगाइडेड एंड गाइडेड मीडिया दो कैटेगरीज में हम जो है ट्रांसमिशन uh, मीडिया को यहाँ पर डिफाइन uh, कर रहे हैं दैट इज गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि गाइडेड मीडिया में आपके सिग्नल जो है वो फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं ठीक है यू नीड अ फिज़िकल मीडियम इन गाइडेड मीडिया बट इन केस ऑफ अनगाइडेड मीडिया सिग्नल जो है आपके थ्रू एयर ट्रैवल करते हैं यहाँ पर कोई भी फिजिकल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है ठीक है इट विल रिक्वायर सिग्नल विल ट्रेवल थ्रू एयर और इन सम केसेज ये जो है आपका थ्रू वाटर भी ट्रेवल करता है देर आर सम मोर डिफरेंसेज बिटवीन गाइडेड एंड इन अनगाइडेड मीडिया तो ये डिफ्रेंसेज जो हैं फर्दर आपको यहाँ पर चार्ट शो किया गया है इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ कॉलम है बेसिक फॉर कंपैरिजन कंपैरिजन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं एंड गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया तो सबसे पहले है बेसिक तो बेसिक में मैंने आपको बता दिया कि सिग्नल जो है यहाँ पे दे नीड अ फिजिकल पाथ फॉर ट्रांसमिशन इन केस ऑफ गाइडेड मीडिया बट इन केस ऑफ अनगाइडेड मीडिया जो आपके सिग्नल है वो एयर के थ्रू एंड समाइम वाटर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होते हैं अल्टरनेटिव नेम जो है यहाँ पर गाइडेड मीडिया के हैं वायर्ड मीडिया क्योंकि ये यह यहाँ पर जो है वायर uh, यूज़ करता है ठीक है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एंड इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं बट इन केस ऑफ अनगाइडेड मीडिया दिज आर वायरलेस कॉम्यनिकेशन तो इसको वायरलेस मीडिया वायरलेस कॉम्युनिकेशन भी बोलते हैं या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं काट है डायरेक्शन इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू सिग्नल्स फॉर ट्रेवलिंग तो यहाँ पर जो है आपके सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है एंड इन केस ऑफ वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया यू डजेंट नीड एनी डायरेक्शन ठीक है एंड टाइप uh, में फर्दर आ जाता है आपका जो आपके बाउंडेड मीडिया है दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सीयल केबल फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सेट्रा एंड इन केस ऑफ अनबाउंडेड मीडिया दिज आर रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रा रेड ब्लूटूथ एक्सेट्रा ओके तो इन पार्ट्स को हम जो है इन दो कैटेगरीज़ को हम फर्दर डिटेल uh, में स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन गाइडेड मीडिया इन डिटेल तो गाइडेड मीडिया में जो है आपके सिग्नल जो है फिजिकल मीडियम या वायर्ड मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा तीन मेन कैटेगरीज हैं आपकी गाइडेड मीडिया की दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिक केबल तो इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल तो ट्विस्ट पेयर केबल जो है सबसे एक्स लीस्ट एक्सपेंसिव है ठीक है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है गाइडेड मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रहती हैं विच ट्विस्टेड ओवर ईच अदर और आपकी जो टेलीफोन्स हैं जो लैंडलाइंस वगैरह हैं आपके घरों में दीज आर कनेक्टेड थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल ठीक है इनमें जो वायर्स यूज होती हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स रहती हैं दो टाइप्स की हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल फर्दर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ठीक है शील्डेड में एक शील्ड जो है uh, आपकी कॉपर वायर के बाहर रहती है अनशील्डेड में जो है शील्ड नहीं रहती बी पार्ट है आपका सेकेंड <coughs> आपके पास जो टाइप है वो है को केबल तो इट इज इट हैज़ आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग टू पैरलर कंडक्टर ईच कवर तो इसमें एक आउटर प्लास्टिक कवरिंग रहती है ठीक है जिसमें दो पैरलर कंडक्टर होते हैं और हर एक कंडक्टर को जो है बाहर से एक प्रोटेक्शन कवर के साथ इंसुलेट किया जाता है ठीक है केबल टीवीज आपके और साथ में एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क्स जो हैं वो ज्यादातर आपके कोएक्सियल केबल्स ही यूज करते हैं एंड इट प्रोवाइड यू हाई बैंडबिट एंड एक्सीलेंट नॉइज इन नॉइज इम्यूनिटी ठीक है ये आपको नीचे डायग्राम दे रखा है तो दिस इज योर प्लास्टिक कवर दिज आर योर इंसुलेटर ये आउटर कंडक्टर शीट है आपकी और ये इनर कोट है तो आपके uh, केबल्स वगैरह में अगर आप चेक करें जो घरों में टी वी में केबल की वायर लगी होती है वो वायर आपकी को एक्सेल केबल होती है इस प्रकार की केबल होती है नेक्स्ट है आपके पास फाइबर ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक जो है, इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंड्स ऑफ ग्लास, विच कैरी लाइट फ्रॉम अ सोर्स एट वन एंड इसमें आपके थिन स्टैंड्स ऑफ ग्लास यूज होते हैं जो आपकी लाइट को सोर्स से सोर्स दूस, uh, से दूसरे एंड तक ले जाते हैं ठीक है वायर की एक साइड uh, से दूसरी साइड को या एक एंड से दूसरे एंड तक को, uh, तक को जो है लाइट को कैरी करते हैं इट ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट अब यहाँ पर जो सिग्नल है आपके ये लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं ठीक है इसीलिए ये जो है एक एंड से वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जो है लाइट कैरी करते हैं दीज केबल्स परमिट ट्रांसमिशन लॉन्गर डिस्टेंस एंड हायर बैंडविथ देन वायर केबल्स अब ये केबल्स जो है आपके इसमें आप डाटा को लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं और हाई बैंडविथ के साथ जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज लाइटर स्मॉलर एंड ईजियर टू हैंडल कॉपर केबल जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये लाइट होती है छोटी होती है और कॉपर केबल से आप इसको ईजिली जो है वो हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर केबल तो दिस इज़ योर फाइबर ऑप्टिक केबल ठीक है एंड दीज आर योर ऑप्टिकल फाइबर जो थीन स्टैंड ऑफ ग्लास हम याद कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द डिफ्रेंस बिटवीन को केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल तो कुछ डिफरेंसेस हैं आपके कोएक्सिल केबल में एंड फाइबर ऑप्टिक केबल में तो फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉय और वायर शील्ड्स इसमें आपके सॉलिड वायर कोर रहती है जिसमें एक या एक से ज्यादा फॉयल्स या वायर शील्ड्स रहती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंड ऑफ ग्लास या ग्लास लाइक मटीरियल इसमें थिन स्टैंड ऑफ ग्लास या ग्लास जैसा कोई मटीरियल जो है ये रहता है कोएक्सिल केबल में सिग्नल जो है वो टैप्ड होते हैं बट uh, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये बहुत सिक्योर है इसमें टैपिंग जो है वो अलाउ नहीं है ठीक है इजी इजीली आप टैपिंग नहीं कर सकते कोएक्सियल केबल में थर्ड पॉइंट है इट्स ट्रांसमिशन रेट अप टू हंड्रेड एम इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो हंड्रेड एम रहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है वेरी फास्ट होता है और ये हंड्रेड एम से स्टार्ट होता है ये यहाँ पर हंड्रेड एम तक का ही रहता है ये हंड्रेड एम से ही स्टार्ट होता है कोएक्सिल केबल की कॉस्ट जो है वो बहुत कम है लीस्ट एक्सपेंसिव है बट फाइबर ऑप्टिक जो है क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद है तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अनगाइडेड मीडिया इन डिटेल तो आपके पास जो है हमने गाइडेड मीडिया पढ़ लिया अब हम जो है अनगाइडेड मीडिया को डिटेल में स्टडी करेंगे तो अनगाइडेड मीडिया इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं नॉ फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं इनको ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं है द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर एंड दस अवेलेबल टू एनी वन हुज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ रिसीविंग दैम अब सिग्नल क्योंकि आपके एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं ठीक है थीके? तो कोई भी व्यक्ति जो है इनको आ, उन उनके लिए अवेलेबल रहेंगे और जिन लोगों के पास मतलब जिस व्यक्ति के पास इनको आ, रिसीव करने वाली डिवाइसेस होंगी उनके लिए ये हमेशा सिग्नल्स जो है अवेलेबल होंगे ठीक है देयर आर सेवरल मेथड्स विच आर यूज्ड टू स्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रू एयर अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एयर में सेंड कर सकते हैं ठीक है कुछ मेथड्स जो हम नीचे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला है रेडियो वेव रेडियो वेव आप इजी टू जनरेट एंड ट्रैवल डिस्टेंस एंड कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजीली सो दे आर वाइडली यूज इन बोथ इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन तो रेडियो वेव जो है ये इजिली जनरेट हो जाती हैं लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं ये बिल्डिंग में भी इजिली पेनिट्रेट कर सकती हैं तो इसीलिए ये इनडोर और आउटडोर दोनों कॉम्युनिकेशन के लिए जो है वाइडली यूज होती हैं दे आर ऑमिनी डायरेक्शनल मीन्स दे कैन प्रोपोकेट इन आल डायरेक्शन ये ऑमिनी डायरेक्शनल रहते हैं मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोकेट कर सकते हैं एग्जाम्पल आपके पास जो है रेडियो वेव का वो है एफ रेडियो नेक्स्ट आपके पास है टाइप माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव इट इज़ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड टू प्रॉपर्ली अलाइन विद ईच अदर तो ये जो है आपकी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है जिसमें आपका सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना जो है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए ठीक है उनकी डायरेक्शन जो है प्रॉपरली अलाइन करनी पड़ती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ एंटीना जो भी डिस्टेंस जो आपका कवर uh, हो रहा है सिग्नल के थ्रू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ एंटीना जितनी हाइट होगी उतना ही ज़्यादा सिग्नल जो है वो ईजिली वहां पर कवर uh, होगा ठीक है फ्रीकवेंसी रेंज वन गीगा हर्ट से थ्री हंड्रेड गीगा हर्ट्स रहती है एंड दीज आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फ़ोन कॉम्युनिकेशन एंड टेलीफोन टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन तो ये यह यहाँ पर मोबाइल फोन टेली कॉम्युनिकेशन और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर यूज होते हैं थर्ड है आपके पास ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ हम कॉमनली सब लोग यूज करते हैं इट इज़ अ हाई स्पीड लो पावर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक दैट इज डिज़ाइन टू कनेक्ट फोन्स एंड अदर पोर्टेबल इक्विपमेंट टूगेदर तो ये एक हाई स्पीड और लो पावर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक है जिसमें आप फोन्स को और दूसरे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स को जो है वो ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पीकोट और स्मॉल नेट दैट एक ब्लूटूथ नेटवर्क को जो है हम पीको नेट या स्मॉल नेट भी बोल सकते हैं और कम से कम एट पर आप क्रिएट कर सकते हैं वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट थ्रू ब्लूटूथ कवर शॉर्ट डिस्टेंस टिपिकली अपू थ्री हंड्रेड फीट जो वायरलेस सिग्नल्स जो हैं जो ट्रांसमिट होते हैं ब्लूटूथ के थ्रू तो वो थ्री थर्टी फीट या दस मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं ठीक है तो ब्लूटूथ से आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पर ही रहता है नेक्स्ट है इंफ्रा तो इंफ्रा वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन इंफ्रा वेव्स जो है आप पर, उनका बिल्कुल ही छोटे डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं दे कैन नॉट पेनीट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल ये किसी भी ऑब्स्टेकल्स को पेनीट्रेट नहीं कर सकते एंड दिस प्रिवेंट इंटरफेयरेंस बिटवीन सिस्टम फ्रिक्वेंसी रेंज इनकी थ्री हंड्रेड गीगार्ड टू फॉर हंड्रेड टी एच एस जेड रहती है इट इज़ यूज इन टी वी रिमोट्स वायरलेस माउस की बोर्ड प्रिंटर एक्सेट्रा ठीक है तो ये आपके जो घरों में टी वी रिमोट्स यूज होते हैं वायरलेस माउस यूज होते हैं या की बोर्ड्स हैं वायरलेस प्रिंटर्स हैं वायरलेस वहाँ पर जो है आपकी इन्फ्रेड कम्युनिकेशन या इन्फ्रा रेड वेव्स जो हैं वो यूज रह होती हैं फिफ्थ है आपके पास वाई फाई तो वाई फाई स्टैंड फॉर वायरलेस फर्टिलिटी वाई फाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फर्टिलिटी वाई फाई यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी टू पॉइंट फोर गीगा हर्ड्स टू फाइव गीघा हर्ट्स ठीक है तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाई फाई की टू पॉइंट फोर गीगा हर्ड से फाइव गीगा हर्ट्स रहती है दीज रेडियो आर डिडेड इन टू चैनल एंड ई चैनल कैन बी शेयर थ्रू नेटवर्क अब रेडियो वेव्स जो हैं आपकी आगे फर्दर जो है चैनल्स में डिवाइड की जाती हैं और हर एक चैनल जो है कैन बी शेयर बिटवीन नेटवर्क बट ओनली वन चैनल टाइम ठीक है एक चैनल को एक समय में आप शेयर कर सकते हैं वाईफाई कैन यूज फॉर इंटरनेट एसेस एज एट हॉटस्पॉट सच एज रेलवे स्टेशन शॉपिंग मॉल्स एयरपोर्ट होटल्स एंड अदर ऑफिस एक्सेट्रा वाईफाई को आप इंटरनेट एसेस के लिए हॉटस्पॉट पे यूज कर सकते हैं ठीक है रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग मॉल पे एयरपोर्ट पे होटल्स पे ठीक एनी डिवाइस कैन कोनेक्ट विथ नेटवर्क ईजिली आप वाई फाई नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस कोनेक्ट कर सकती है ईजिली इट प्रोवाइड मोब मोबैलिटी यहाँ पर जो है वाई फाई आपको मोबैलिटी प्रोवाइड करवाता है एंड इट इज कन्वीनियंट टू एड न्यू डिवाइस विद नेटवर्क विद नो हार्डवेयर चेंज और आप किसी भी डिवाइस को जो है नेटवर्क के साथ जो यूज कर सकते हैं ठीक है देर इज नो चेंज ऑफ हार्डवर्क हार्डवेयर आप किसी भी डिवाइस को जो है वाई फाई के साथ बिना किसी चेंजेस के कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपके क्या है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर

और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर रहा है और साथ में डेटा को रिसोर्सेज को और एप्लीकेशन को शेयर भी कर रहा है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं और हर एक कंप्यूटर जो है हर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो है कनेक्टेड है और आपस में डेटा को रिसोर्सेज को एप्लीकेशन को शेयर कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क जो है दे कैन बी कैटेगराइज बाई देयर साइज कंप्यूटर में नेटवर्क मेनली आपके फोर टाइप के हैं लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क तो एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं फर्स्ट वन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर स्मॉल एरिया तो लोकल एरिया नेटवर्क वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि आपके स्मॉल एरिया ऑफ नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं जैसे कि है आपके स्कूल हो गया बिल्डिंग होगी ऑफिस होगी एक छोटा सा रूम रूम हो गया ठीक है वहाँ पर जो है आपके लैब हो गया वहाँ पर कनेक्टेड होने वाले कंप्यूटर को हम लोकल एरिया नेटवर्क के ग्रुप में मानते हैं लैन इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग तो uh, so, जो कॉम्युनिकेशन चैनल है यहाँ पर लैंड uh, को कनेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है वो आपकाबल है कोएक्स एल केबल है सी पार्ट है इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ट विद इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स नेटवर्क अडप्टर एंड अर्थनेट केबल्स ये uh, ज्यादा कॉस्टली नहीं है क्योंकि ये इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर मटेरियल से बनता है जैसे कि आपके हब्स हो गए गए नेटवर्क हो केबल्स हो गए एक्सेट्रा डाटा जो है आपका वो एक्सट्रीमली फास्टर रेट के साथ जो है लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रांसफर होता है ठीक है और लोकल एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है वो हाई रहती है सेकेंड वन इज योर पैन दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इट इज अ अ नेटवर्क विद 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 इन इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली इन अ रेंज ऑफ मीटर तो so, ये वो नेटवर्क है जो इंडिविजुअल पर्सन क्रिएट करता है ठीक है और इसकी जो रेंज है वो दस मीटर तक की रहती है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग एरिया नेटवर्क अब पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो उन कंप्यूटर डिवाइसेस uh, को करने के लिए जो है, में लाया जाता है जो कि पर्सनल यूज लैपटॉप एक्सेट्रा तो ये थॉमस जिमेरमिन वाज़ द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क तो डी पार्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर एंड एरिया ऑफ थर्टी फीट तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो एरिया uh, है वो थर्टी फीट तक का रहता है और ये थॉमस जिमरमिन नाम के व्यक्ति ने जो है फर्स्ट रिसर्चर साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो है वो आइडिया दिया था पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप द पर्सनल नेटवर्क आर द लैपटॉप मोबाइल फोन्स मीडिया प्लेयर्स एंड प्ले स्टेशन तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो आपके डिवाइसेस यूज होते हैं वो लैपटॉप हैं मोबाइल फोन्स हैं मीडिया प्लेयर्स एंड प्ले स्टेश थर्ड है आपका मेट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क तो अट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क तो मेट्रोपोलिटिन एरिया नेटवर्क जो है वो तो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं और कैसे करते हैं बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड ठीक है बहुत सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट करके एक लार्ज नेटवर्क बनाया जाता है और ये जो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाता है गवर्नमेंट एजेंसी यूज मैन टू कनेक्ट सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट एजेंसी जो है मैन का यूज करती हैं टू कनेक्ट सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन मैन वेरियस लाइन आर कोनेक्टेड टू ई अदर थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज लाइन मैन में वेरियस लाइन जो है टेलीफोन एक्सचेंज लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट किए जाते हैं मोस्ट वाइडली यूज मैन प्रोटोकॉल जो आपके मैन में यूज हो रहे हैं मोस्ट वाइडली वो आर एस टू थर्टी टू है फ्रेम डिटे है ए टी एम आई एस डी एन ओ सी थ्री ए डी एस एल एक्सेट्रा एंड इट हैज हायर रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क तो इट हैज रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से जो इसकी रेंज है वो कहीं ज्यादा होती है फोर्थ आपका पास नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क जो है दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया सच स्टेट और कंट्री एक ऐसा नेटवर्क जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है लाइक like, आपका स्टेट हो गया कंट्री हो गई वाइड एरिया नेटवर्क इज बिगर नेटवर्क देन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है

एंड वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट एंड एजुकेशन तो ये इन फील्ड्स में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नेक्स्ट आपके पास फॉल्स हैं तो आप ये फॉल्स जो है ऊपर जो टॉपिक हमने कवर किए हैं इसी से रिलेटेड uh, है तो आप लोग इनको स्टडी कर सकते हैं एंड इनके साथ एनी क्वेरी आप जो है मेरे चैनल पे या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू जो है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आई होप आप लोगों को uh, ये टॉपिक समझ आ गया होगा सो थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे